श्रवण मास के शुभ अवसर पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का करवाया जा रहा है निर्माण, साथ ही शिव पुराण कथा का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। शक्ति माता आश्रम केकेपुरी कॉलोनी आवास विकास कॉलोनी झांसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। इस कथा में कथाचार्य आनंद दुबे जी बनारस से काशी विश्वनाथ से आए हुए हैं। यह कार्यक्रम 1 माह में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं अभिषेक जो कि 9 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। शाम को 3 बजे से 6 बजे तक अभिषेक होगा, साथ ही भव्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए जाएंगे, जिसमें झांसी के सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में शक्ति माता आश्रम के केकेपुरी कॉलोनी में आएं व शिव पुराण कथा का लाभ उठाएं। संवाददाता पारस शर्मा की रिपोर्ट। महाराज, पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं आनंद दुबे बनारस से। जी, शास्त्री यात्रा। महाराज जी, यहाँ शक्ति माता आश्रम पर क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या है ये चीज़, विस्तार में थोड़ा हमें बताएं। यह शक्ति माता आश्रम पर 1.25 करोड़ शिव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण मास के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। जी, और यह 14 तारीख 14 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त तक यह कार्य प्रतिदिन किया जाएगा। और जी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पूजन का कार्य चलेगा और सुबह 9 बजे से ही पार्थिव शिवलिंग प्रारंभ हो जाते हैं बनना। 3 बजे तक यह कार्य चलता है। 3 बजे से रुद्राभिषेक भूत भावन शिव पार्थिवेश्वर भगवान का किया जाता है। 6 बजे आरती प्रसाद के बाद ही विराम होता है। महाराज जी, ये जो शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का जो ये किया जा रहा है, ये क्यों किया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों लोग करते हैं? जैसे कि शिव पुराण में बताया गया है जी कि उक्तेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगम उत्तमम। जैसे कि शिव पुराण में बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग ही सबसे श्रेष्ठ उत्तम बताया गया है। जी, जिसको शूद्र ब्राह्मण वैश्य वर्णशंकर स्त्री सभी इसको पूजन कर सकते हैं, शिव पुराण के अनुसार बताया गया है।